अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस केस में ड्रग का एंगल भी सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने बात करने के बाद डिलीट कर दिया था। इन चैट्स में रिया ने गौरव आर्य, सैमुअल मिरांडा, जया साहा से बातचीत करी है। पहले चैट में लिखा है, अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। गौरव वही शख्स हैं जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इसके बाद रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है, एमडी एक ऐसे तरह का ड्रग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक चैट रिया और जया साहा के बीच की भी है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें जया कहती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। इसके बाद रिया उन्हें धन्यवाद देती हैं। इसके बाद जिया रिया से कहती हैं, चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। एक और चैट में सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच बातचीत है, जिसमें सैमुअल मिरांडा कहते हैं, हाय रिया, स्टाफ खत्म हो चुके हैं। ये चैट 17 अप्रैल 2020 की है। इसके बाद वे रिया से पूछता है, क्या हमें ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। हैश और बड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स माने जाते हैं। सुशांत केस में अभी कई परतें खुलने और बाकी हैं। सोशल मीडिया पर ड्रग एंगल के सामने आते ही सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ईडी ने रिया से पूछताछ के दौरान उनके परिवार के फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए थे। एसपीएन 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।